भाई अब कोई भी कहानी है ना, रोना धोना मत करना। जी, तैमूर आइए आइए, तशरीफ रखिए। अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप हमारे साथ पूरा रमजान रहना चाह रहे हैं, कोई खास वजह? माँ, जी मैं छोटा था जब अब्बू गुजर गए, माँ भी नहीं थी। पहला रमजान है उनके घर में, हॉल लूट रहे थे, काटने को तोड़ रही थी दीवारें। सोचा कि अम्मी होती तो कहती, बेटा रमजान आ रहा है, शेव बनवाओ, बाल कटवाओ, रमजान का तैयार होके इस्तकबाल करना चाहिए। तो मैं चला गया नाई के पास कि अम्मी की रूह रूह खुश हो जाएगी। वहीं देखा इश्तिहार अखबार में, मेरे यतीम मिसकीन और तन्हा दिल में उम्मीद जागी। लेकिन सच पूछे ना, बाहर का माहौल देख के वापस जाने का दिल चाह। बहुत ही कोई प्रोफेशनल माहौल है, ऐसे कि मैं नौकरी के लिए आया हूं। लेकिन फिर सोचा कि आ ही गया हूं तो देख लेता हूं क्या प्रोसेस। लेकिन फिर अंदर आया और आपको देखा। आपका अंदाज, आपका लहजा, आपकी आवाज और आपका चेहरे का नूर, ऐसा लगा कि बिल्कुल अम्मी। आए बेचारा। नहीं, परेशान मत हो। ये कोई इंटरव्यू का कोई वो नहीं है, वो क्या कहा? ये तो एक मुलाकात है, बस दिल को जो बात समझ में आ जाएगी हम दिल की मान लेंगे। सबका अपना अपना नसीब होता है। क्या आप वाकई यहां की, इस दुनिया की? नहीं, आप यहां की नहीं हो सकती। तो शायद मैं भूल गया हूं कि मोहब्बत से बात कैसे की जाती है। चलता हूं, अगर दिल कहे ना, अगर दिल कहे तो मुझे यहां रख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हमें हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जी, परेशान मत हो। माँ, भाई बख्तू को बुलाओ, क्या कर रहा है? उसको ऐसे तो रख ले, बेचारा तड़प रहा है।